हेलो दोस्तों, अब हम रवाना हो गए हैं मनाली और जा रहे हैं मनाली और आप लोगों को दिखाएंगे वहाँ के अच्छे अच्छे ब्लॉग। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए प्रेम विश्नोई ब्लॉग फुल रिव्यू ऑन मनाली। चलिए चलते हैं मनाली। अब हम रवाना हो गए और मनाली के लिए निकल रहे हैं, बाकी सारी जानकारी आपको देते रहेंगे। चलिए ब्लॉग में बने रहिए। तो दोस्तों, हम अब पहुंच गए हैं गौतम रेलवे स्टेशन और यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दिल्ली से मनाली जाएंगे। तो अब हम ये है रेलवे स्टेशन, या हमारी ट्रेन आने वाली है, ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, बाकी जानकारी आपको ब्लॉग में दे देंगे। चलिए एक जर्नी शुरू करते हैं। ये दिल्ली का अंतरजातीय जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने का बस स्टैंड है, बहुत ही खूबसूरत बस स्टैंड है, बहुत बड़ा बस स्टैंड है। सब लोग यहाँ से अलग अलग राज्य के लिए बसें पकड़ रहे हैं। यहाँ से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कुल्लू, मनाली, सब जगह के लिए बस यहाँ से मिलती है। अंदर कैंटीन भी है अवेलेबल। देखिए कितना बड़ा बस स्टैंड है, बहुत शानदार बस स्टैंड है। पूरा नज़ारा दिखा रहे हैं एक बार। घाटियों के रास्ते से होते हुए हम मनाली की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत ही शानदार व्यूज है बीच के रास्तों में और अब हम पहुंचने वाले हैं मनाली और आगे की शुरुआत करते हैं यहां से मनाली पहुंच के। हेलो दोस्तों, चंडीगढ़ और से होते हुए हम अभी मनाली पहुंचे हैं। मनाली में आपका स्वागत है। देखिए ये हमारा होटल है, यहाँ से कितना शानदार व्यू दिख रहा है। ये पूरा व्यू है जो होटल के बाहर का है और बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रखा है अभी यहाँ पर। आप चारों तरफ देखिए, चारों तरफ से आपको दिखा दे रहे हैं ये सारी होटलें हैं और सामने जो दिख रहे हैं वो ये पहाड़ हैं। पहुँच गए अभी होटल में, नहा धो के फ्रेश हो गए हैं और होटल से निकल रहे हैं और अभी हम आपको मनाली के अंदर जो भी छोटी बड़ी लोकेशन है पास पास की वो आपको दिखाएंगे। मौसम अभी बर्फ़ वाला तो है नहीं, बर्फ़ आपको कल दिखाएंगे रोहतांग वाले ब्लॉग में। अभी आपको दिखा रहे हैं हम वो है मनाली का मॉल बाज़ार और हडिम्बा देवी मंदिर और आसपास का जो मार्केट है मनाली का। ये आप पीछे देख सकते हो मनाली का पूरा बैकग्राउंड है, बहुत ही शानदार दृश्य है। बहुत ठंडी हवा चल रही है, आप भी एक बार ज़रूर इस जून के महीने में घूमने के लिए मनाली आए और मनाली का ब्लॉग देखने के लिए अभी हमारे वीडियो में बने रहिए। आगे आगे हम आपको पूरी जानकारी इस ब्लॉग में पूरे मार्केट की और मनाली में क्या है और यहाँ पर कब आना चाहिए, बस से आना चाहिए, ट्रेन से आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, सारी जानकारी हम आपको इस ब्लॉग में देंगे। चलिए चलते हैं, ब्लॉग शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, अब हम यहाँ पर आए हैं मनाली के मॉल रोड बाज़ार पे और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। आप पीछे मेरे पीछे देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संख्या में यहाँ टूरिस्ट आए हुए हैं। आप भीड़ देख सकते हो, बहुत ही शानदार व्यू होता है शाम के समय यहाँ पर और सभी लोग खरीदारी वरीदारी करते हैं। आज मंगलवार को बंद रहता है हालाँकि ये रोहतांग, इसलिए यहाँ ज़्यादा भीड़ होती है और कल रोहतांग में चालू रहेगा। रोहतांग में कल बर्फ़ वगैरह है तो कल अपने रोहतांग का वीडियो बनाएंगे। आज आपको ये मॉल रोड मेन बाज़ार का दिखा रहे हैं जहाँ पर ये आप भीड़ देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो चलिए मार्केट में घूमते घूमते हमने देखा यहाँ पर एक माता जी, जय माँ दुर्गा, दुर्गा जी का मंदिर है, दुर्गा माँ का मंदिर देखते हैं। चलिए चलते हैं मंदिर की ओर और आपको दर्शन करवाते हैं। तो ये देखिए जूम करके दिखाइए भाई साहब, ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है माता जी का यहाँ पर और इसकी जो बनावट है वो आप देखिए कितनी खूबसूरत बनावट है। लकड़ी से पूरे मंदिर को सजाया गया है का दृश्य है जो आप देख रहे हो। बहुत ही शानदार व्यू है शाम के समय का यहाँ पर, जो आप ये पीछे का बैकग्राउंड देख रहे हो, इसमें पूरे पूरे देख रहे हो, इधर सामने पूरा मार्केट है और यहाँ सब खरीदारी करने आते हैं, शाम को बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। चलिए अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं और खूबसूरत व्यू। हवाओं में किस तरह ये शाम के समय में तिरंगा लहरा रहा है और एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है अपने को यहाँ पर।
जो कि मॉल रोड मनाली में है। यहाँ पर आपको गर्मियों में पूरा बर्फ से ढका हुआ ये इलाका और ये पेड़ पौधे हैं जो ढका हुआ नजर आएगा। ऐसा साफ व्यू आपको ये जून और मई, जून जुलाई, ये तीन महीनों में आप ये मौसम देख सकते हो, क्योंकि इस टाइम में यहाँ पर ये पौधों की हरियाली जो है मनाली की वो और खूबसूरती बढ़ जाती है। हालांकि बर्फ में तो बहुत ज़्यादा बर्फ हो जाता है, यहाँ पर बर्फबारी ज़्यादा होने की वजह से ये सब ढक जाता है, लेकिन अभी का जो व्यू है वो बहुत खूबसूरत और शानदार है। यहाँ गर्मी बिल्कुल भी नहीं है और ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, तो ये सदाबहार मौसम कहा जाएगा यहाँ। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा था ऊनी वस्त्र, बहुत ही ज़्यादा दुकानें यहाँ ऊनी वस्त्र की है, तो मार्केट में चलते हैं और आपको ऊनी वस्त्र की दिखाते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत टोपी वगैरह यहाँ मिलते हैं, क्योंकि रोहतांग में बर्फ़ रहता है तो सभी लोग यहाँ से ख़रीदारी करके रोहतांग की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अपने मार्केट की ओर चलते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ की ऊनी वस्त्र की दुकानें। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी ऊनी वस्त्र है जो सेलिंग कर रहे हैं ये लोग, और रोहतांग में जाने के लिए प्रभारी है फिलहाल, तो इसलिए रोहतांग के लिए ही काम आएगा यहाँ पर। तो ज़्यादा सर तरीके से ये हिमाचल की पहचान है, जो ये हिमाचल की टोपी है जो सभी बुजुर्ग लोग और बड़े शौक से और इसको पहनते हैं। तो ये आप जब भी यहाँ आए तो ऐसी टोपी एक बार साथ में लेके जाए, हिमाचल की पहचान है ये। देखिए हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं, राजस्थान में जैसे पगड़ी शोभा होती है वैसे यहाँ बुजुर्ग लोग और सभी लोग इसको बहुत ही चाव से पहनते हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनी। और भी बहुत सारी टोपियाँ हैं वो अभी आपको आगे बताएंगे हम। ये सरस्वती शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर सभी तरह के वो आइटम हमने देखे थे, अंदर गए तो बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका वीडियो बनाते हैं। और ये बहुत ही शानदार लगा इसका व्यू मुझे, यहाँ चश्मे वगैरह सब मिलता है, चश्मे और घड़ी वड़ी, जो भी वॉच टॉपीज, जो भी मतलब घूमने के लिए आते हैं तो इस शॉपिंग मॉल में ज़रूर आए, और यहाँ से आप बहुत अच्छी अच्छी आइटम। ये भाई साहब हाई कर रहे हैं। चैनल को कर देना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।